Assalamu alaikum class 9th N1 boys and girls. I am your biology lecturer. Today 7th April 2020. Our topic of discussion is solving a biological problem. Jaisa ki kal humne padha what is biological problem and biological method. Isi tarah hum next bhi uske steps ko continue karenge uske steps ko. Like pehle humne padha tha recognition of biological problem. के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना एंड ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदा करना. आज हम इसके बाकी के स्टेप्स को सॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एज यू नो दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ सिक्वेंशियल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है वो एक सिक्वेंशियल है और उसी सीक्वेंस के साथ हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे. लेट मी रिवाइज कि कल हमने क्या पढ़ा था. कल हमने जाना था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में. जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चल जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम जान लेते हैं, तो साइंटिस्ट नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर मूव करते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करते हैं विद देयर फाइव सेंसेस. और उसके बाद हमने पढ़ी थी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी. एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ बेटर देन क्वालिटेटिव. और इसके जो एस्पेक्ट्स थे कि किस तरह क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है, मोर एक्यूरेट हो सकती है देन क्वालिटेटिव, ये भी हमने कल पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस को बनाना, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी. जो हमारी थ्योरी होती है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को हाइपोथेसिस कहते हैं. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन होती है जो झुटलाई भी जा सकती है, यानी जो गलत भी हो सकती है. मतलब जब ऑब्जर्वेशन बन जाती है तो इसको झुटलाने के तरीके अपनाए जाते हैं कि किस तरह से इसको रिजेक्ट किया जा सके. तो वो जो चीज़ हाइपोथेसिस में आती है, अब हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इस वजह से इसको टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं. ऐसी एक्सप्लेनेशन जो सही भी हो सके और गलत भी, 50-50% चांसेस होते हैं. यानी 50% चांस ये होता है कि ये करेक्ट हो और 50% चांस ये होता है कि ये रॉन्ग भी है. ठीक है, तो अब हाइपोथेसिस को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हाइपोथेसिस को बनाने में. अब साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट जब भी हाइपोथेसिस देते हैं तो ये बहुत सिंपल होता है. अब डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके इसे झुटलाने की कोशिश की जाती है. हाइपोथेसिस की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाइपोथेसिस एक जर्नल स्टेटमेंट होती है, ये एक टेंटेटिव आइडिया है, यानी वो आइडिया जो झुटलाया भी जा सके. इट शुड बी एग्री विद ऑल अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं हाइपोथेसिस सब में एग्री करता है. इट शुड बी कैप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसे उतना सादा रखा जाता है, उतना सिंपल रखा जाता है जितना पॉसिबिलिटी है, जितना मुमकिन है. इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सेबल, ये टेस्ट किया जाता है और इसमें ये एबिलिटी होती है कि इसे बार बार टेस्ट किया जाए और इसे झुटलाया जाए. अब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ पर. फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने रिसर्च की है प्लांट पर, प्लांट सेल्स पर, और उन्होंने देखा है कि प्लांट के एक सेल में न्यूक्लियस होता है. तो अगर प्लांट के एक सेल में न्यूक्लियस है तो प्लांट के जितने भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस होगा, या एक अगर एक प्लांट में एक प्लांट के सब सेल्स में न्यूक्लियस है तो बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के सेल्स में न्यूक्लियस होगा. इसे कहते हैं डिडक्शंस, यानी अंदाज़ा लगाया जाता है. एक चीज़ का हमें पता होता है और दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है. डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी डिडक्शंस जो हैं वो अपनी सोच के मुताबिक हम अंदाज़ा लगाते हैं हाइपोथेसिस का.
दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक. इसमें इफ़ देन लॉजिक यूज़ होती है, अगर और तो वाली सिचुएशन. डिडक्शंस में हम अपनी सोच के मुताबिक अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि हमें एक चीज़ का पता है तो दूसरी चीज़ का हम अंदाज़ा लगाते हैं उससे रिलेटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक बायोलॉजिस्ट है, उसने सिर्फ स्पैरो को देखा है, चिड़िया, और स्पैरो एक बर्ड है, उसे ये पता है कि स्पैरो एक बर्ड है. फिर उसने स्पैरो में क्या चीज़ देखी? उसने स्पैरो में देखे उसके विंग्स, यानी स्पैरो एक बर्ड है और उसने ऑब्जर्व किए उसके विंग्स. तो इसका मतलब कि जितने भी बर्ड्स होंगे सबके विंग्स होंगे. इसी तरह अगर कोई बायोलॉजिस्ट है, उसने बर्ड्स देखे हैं, स्पैरो नहीं देखी है, उसने कहा कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं तो स्पैरो के भी विंग्स होंगे. बिल्कुल ऐसे ही अगर और तो वाली सिचुएशन, इफ़ एंड देन. ओके, तो जब हमारी डिडक्शंस बन जाती हैं तो उसके बाद वी गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, हम तजुर्बे करते हैं. बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट. बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हाइपोथेसिस सही भी है या गलत है. When doing experiment, it must be a controlled experiment. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी होता है. अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक का नाम है कंट्रोल ग्रुप और दूसरे का नाम है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंट्रोल ग्रुप, हम यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस पर, यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये हमने देखना है इस एक्सपेरिमेंट से. अब कंट्रोल ग्रुप में हमने फ्री कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, ऑल अवेलेबल जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व करनी है. लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा. इसका मतलब ये है कि कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं होता, जितने भी फैक्टर्स किसी रिएक्शन को चाहिए होते हैं वो सब मौजूद होते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कोई एक फैक्टर मिसिंग होता है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पाता. नेक्स्ट इज समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट. जब बायोलॉजिस्ट अपना जो सारी एक्सपेरिमेंटेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जिसका नाम है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स. रिजल्ट्स को समराइज करना, इकट्ठा करना. तो बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज स्टैटिस्टिकली. यानी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इकट्ठा करते हैं अपना डाटा जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, यानी क्वांटिटी की फॉर्म में है, मकदार की फॉर्म में है, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिला है. और फिर बायोलॉजिस्ट ने नतज अखज़ करने हैं और वह नतज उन्हें मिलेंगे कि जब वो इस डाटा को एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिकली, इसको देखेंगे इस पर मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करके. उसके बाद है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट. यानी जब हमारा डाटा गैदर हो गया है, समराइज हो गया है, उसके बाद हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे. तो रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट में बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर डाटा इन साइंटिफिक जर्नल्स, बुक्स, प्रिंट मीडिया, के बायोलॉजिस्ट ने अपना डाटा साइंटिफिक जर्नल्स में लिखा है, बुक्स में लिखा है, प्रिंट मीडिया में लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवी में, सेमिनार्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो हो रहे हैं, तो इन सब में वो रिपोर्ट करता है अपने रिज़ल्ट को. इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिज़ल्ट. तो ये अलाउ करता है, इजाज़त देता है दूसरे लोगों को कि वो भी वेरीफाई कर लें इनके रिज़ल्ट्स.
जो कि आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन वो करेंगे। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 22। पेज नंबर 22 में जो फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, इसकी सेकंड लाइन से आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे कि राइट डाउन द फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज और हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशन इन डाटा फॉर्म। बायोलॉजिस्ट अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको डाटा की शक्ल में लिखते हैं एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि साबित हो सकती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब अंडर स्टडी, उसको स्टडी करने के दौरान। अब आगे है डेफिनेशन हाइपोथेसिस की, तो दिस को आप काट देंगे। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। किसी भी ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को हाइपोथेसिस कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। ये इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो बात जो बताई गई है, हो सकता है ये सच हो। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स। हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे कि राइट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, और नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। इट शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी एग्रीड विद ऑल अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सेबल। In other words, there should be a way to show the hypothesis is false and a way to disprove the hypothesis. ये सारी properties हैं hypothesis की, कि क्या क्या properties, क्या क्या खसूसियात, क्या क्या characteristics होनी चाहिए एक good hypothesis की, कि ये एक general statement होनी चाहिए, आम statement, यानी जो ज़्यादा detail ना हो, explanation बहुत ज़्यादा ना हो, just जिसे देखकर हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा मिल सके। और ये टेंटेटिव आइडिया होती है, टेंटेटिव आइडिया का मतलब कि ये गलत भी साबित हो सकती है, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं ऑल अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस उससे एग्री करती है। इसे उतना सादा रखा जाता है, उतना सिंपल रखा जाता है जितना कि मुमकिन हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टेबल है, यानी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें ये एबिलिटी है कि ये रॉन्ग भी साबित हो सके, यानी 50% चांसेस है रॉन्ग और राइट प्रूव होने के। नेक्स्ट आपकी ये एमसीक्यू के लिए लाइन है, ये जो टू लाइंस हैं, नेक्स्ट लास्ट टू लाइंस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट रीजनिंग यूज़ करते हैं कोई भी हाइपोथेसिस बनाने में, यानी सोचते समझते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं कोई भी हाइपोथेसिस बनाने में। तो ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट डिडक्शंस। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम हाइपोथेसिस। तो यहाँ से आप डेफिनेशन सेकंड लाइन के मिड से आप डेफिनेशन अंडरलाइन करें, डिफाइन डिडक्शन, और ये अंडरलाइन करेंगे। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं हाइपोथेसिस के, यानी जिसे आपने अपने दिमाग से सोचा है, अंदाज़ा लगाया है हाइपोथेसिस का, तो उसे आप डिडक्शंस कहते हैं। For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results are drawn from it. तो इस लिहाज से, इस purpose के लिए
हम हाइपोथेसिस को लेते हैं कि हो सकता है ये गलत हो और सही हो, और इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो हम अखज़ करते हैं, ड्रोन करते हैं, जिसे आप डिडक्शंस कहते हैं। अब आप इस जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक, कि ये इफ़ देन लॉजिक का यूज़ करते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ डिडक्शंस के सामने एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने रीड करना है और देखना है। इस बॉक्स में बताया गया है कि बायोलॉजिस्ट कांट यूजुअली चेक एवरी सिचुएशन वेयर अ हाइपोथेसिस मस्ट अप्लाई। बायोलॉजिस्ट हर हाइपोथेसिस को चेक नहीं करते कि क्या सारे ही हाइपोथेसिस जो हैं वो ठीक हैं। लेट्स कंसिडर अ हाइपोथेसिस ऑल प्लांट्स हैव न्यूक्लियस, के फॉर एग्जांपल हमने एक हाइपोथेसिस को देखा है कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में न्यूक्लियस होता है। बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट, बायोलॉजिस्ट ने हर लिविंग प्लांट को स्टडी नहीं किया है। इवन प्लांट दैट हैज़ एवर लिव्ड टू सी इफ हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, और ना ही ऐसे कोई प्लांट्स हैं जो कि हम देखें कि हाइपोथेसिस फॉल्स कर सकें या ना कर सकें, यानी बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं और हम हर प्लांट पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इंस्टेड बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शंस यूजिंग रीजनिंग, जबकि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, उसने डिडक्शंस को यूज़ किया है रीजनिंग करके, सोच समझ के, फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस। अबव हाइपोथेसिस, अबव हाइपोथेसिस है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। अ बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शंस, अब बायोलॉजिस्ट ने ये डिडक्शन बनाई है, इफ आई एग्जामिन सेल्स ऑफ द ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी ब्लेड ऑफ ग्रास मीन्स कि ग्रास का जो एक लीफ है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट सा है, यानी बिल्कुल फ्लैट सा है, उसे कहते हैं ब्लेड, ब्लेड ऑफ ग्रास, तो उसको एग्जामिन किया है, तो उसमें देन ईच वन विल हैव न्यूक्लियस, तो जितने भी उसमें सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस है। इट मीन्स कि जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब में भी न्यूक्लियस होगा, यानी हम इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं और स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, तो सबको स्टडी नहीं करते, सिर्फ उसमें से कुछ चीज़ों को, कुछ प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और उसी में ही डिडक्शंस को यूज़ करके, रीजनिंग को यूज़ करके हम ये सोचते हैं कि अदर प्लांट्स में भी यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। नेक्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन में बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, पेज नंबर 22 में। एक्सपेरिमेंटेशन मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, इसको आप अंडरलाइन कर लें फॉर एमसीक्यूज़। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू विगरस टेस्टिंग, वो डिडक्शंस जो कि हाइपोथेसिस से बनाई जाती हैं उस पर बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। विगरस टेस्टिंग मीन कि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती है उसके ऊपर। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, और एक्सपेरिमेंटेशन यानी तजुर्बे के बाद ही बायोलॉजिस्ट ये सीखते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस सही है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो गलत हाइपोथेसिस होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। द वन विच प्रूव करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड, और वो जो सही प्रूव होता है, साबित होता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक फर्दर प्रडिक्शंस, एक हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट हो गया है वो और प्रडिक्शंस बनाता है, यानी और आंसर्स बनाता है। डैट प्रूव इम्पॉर्टेंट, डैट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इज़ वैलिडिटी, जो कि हमें और मज़ीद टेस्ट करने पर आमादा करता है। नाउ व्हाट इज़ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ये आप अपनी बुक पर लिखेंगे, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की डेफिनेशन, पेज नंबर 23 पर बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना मस्ट है। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के दो ग्रुप्स हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इनकी डेफिनेशन आप बुक पर लिख लेंगे। कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन है अ ग्रुप इन विच नो वेरिएबल इज़ मिसिंग, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की डेफिनेशन है अ ग्रुप इन विच वन वेरिएबल इज़ मिसिंग। एंड नेक्स्ट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स,
तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट पेज नंबर 23, आप देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिस्ट ने इकट्ठा किया है बिल्कुल सही एक्चुअल जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसे, डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली टू ड्रॉ कंक्लूजंस। बायोलॉजिस्ट ऑल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी बायोलॉजिस्ट मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करके जो डाटा है उसको समराइज करते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक मेथड का, और ये एमसीक्यू के लिए भी ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट, ये इजाज़त देती है दूसरे लोगों को कि वो रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सके, और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स, और दूसरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको नॉलेज मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर।